महाराष्ट्र में तीन पहिए की सरकार है, लिहाजा कभी कभी पहिए के नट बोल्ट खुलते रहते हैं, इसलिए समय समय पर इसे टाइट करना पड़ता है। शिवसेना कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तीनों पार्टियों में आपसी मतभेद कभी खत्म नहीं हो रहा है। सरकार बने 6 महीने हुए हैं, लेकिन अभी तक दर्जनों बार तीनों पार्टी आमने सामने हैं। बीते कुछ दिनों में गठबंधन में शामिल कांग्रेस सरकार से नाराज हो गई थी। आरोप लगाया था कि सरकार में उसकी अनदेखी हो रही है, इसीलिए कांग्रेस की तरफ से खूब बयानबाजी हो रही थी। शुरुआत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने की, उसके बाद क्या पूरा कांग्रेस खेमा शिवसेना पर हमला शुरू कर दिया। शिवसेना भी घबरा गई, उसे लगने लगा कि कहीं कांग्रेस हाथ खींच ली तो सरकार और सीएम की कुर्सी गई, और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे को कांग्रेस के सामने झुकना पड़ा। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच बीते महीने भर से चल रहे गतिरोध खत्म करने की कोशिश की जा रही है और दोनों पार्टियों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट और अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने उनके बंगले मातोश्री पर पहुंचे। बैठक में शिवसेना की ओर से सांसद संजय राउत और अनिल देसाई भी मौजूद थे। तीनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। बैठक में किसने क्या कहा और बैठक का क्या निष्कर्ष निकला, ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बैठक के दौरान दोनों पार्टी के नेताओं ने नरम रुख अपनाया। बीते कई दिनों से दोनों पार्टी के नेताओं के बीच ये बैठक टलती आ रही थी। हालांकि कांग्रेस और शिवसेना के बीच जिस तरह की कटुता नजर आ रही थी, उसके मद्देनजर ये बैठक काफी अहमियत रखती है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि बैठक के बाद भी शिवसेना और कांग्रेस में तीखी बयानबाजी जारी रहेगी या गठबंधन सरकार कुछ दिन शांति से चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।